बेसिकली uh, परवीन का जो डेथ हुआ बहुत ही मतलब सैड uh, किस्म का एक सुसाइड हुआ था तो ऑबियसली इट वाज नॉट अ नेचुरल डेथ कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दैट रिएक्शन टुवर्ड्स दैट वाज कि मतलब एक सुसाइडल केस है तो इट वाज डेफिनेटली ऑन द अदर साइड ऑफ इट यू नो तो आदमी हमेशा थोड़ा एक डर जाता है कि भाई इसको हम अगर जाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा क्या नहीं होगा ऐस आई सी डर लिया किसी इंडस्ट्री से या किसी से उनका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं थे शी वॉज नॉट अ सोशल आइट शी वॉज नॉट अ सोशल पर्सन कि जहाँ उनके काफ़ी लोग या तो काफी रिश्तेदार हमेशा उसके साथ इर्द गिर्द घूमते हो उनका कोई ऐसा था ही नहीं मतलब कि जिसके साथ मतलब उनका कुछ रोज़िंदा उठना बैठना या रोजिंदा पार्टियाँ करना कि जिनके जिनसे किसी को कुछ इतना ज़्यादा मतलब वो अफेक्ट हो कोर्स इट वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक परविन कमिटेड सुसाइड आई मीन आई वाज माई सेल्फ सो शॉट कि इतनी स्ट्रॉग पर्सन वो सुसाइड कैसे कर सकती है तो डेफिनेटली हर एक को एक डाउट्स आ जाता है कि मतलब ये सुसाइडल हो हो सकता है या कुछ और इश्यूज़ होगा क्या पता लै नो जैसे मतलब एक दिव्या भारती के किस्से में भी इस तरह से मतलब लोग एक शॉक इट वाज अ शॉक फॉर इंडस्ट्री सो जिस जब भी इस तरह के जब भी शॉक होती है तो इट इज़ नॉट अ नेचुरल लाइक यू नो जेस्टर्स फॉर एनी बडी टू लाइक गो एज ऑन द फ्यूनरल इन अ वेरी नॉर्मल मैनर हर एक लोग एक डर से या तो एक अपना मतलब कि आगे क्या क्या कुछ कंसिक्वेंसिस होगा वो एक कैर ले मतलब एक रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर So I don't think that you know that was the reason that you know uh, one should uh, point out at industry wale koi no nahi hu because she was not that social person in any case. You know, all that stuff. Of course, that sympathy was very much. because I myself, as I told you, that she was not a person who could commit suicide so easily. You know, she was a very strong person. But did you, uh, pe kya ye laga ki, um, negligence of? any psychiatrist or doctor or any treatment that made her lose herself See, i thought i i don't agree first of all that you know she was a psychic person as per my knowledge you know she was being just uh, i mean uh, made out of proportion to like talked about that she is a psychic person and things like that you know from the media or wherever the, the talks came from uh, सेकेंडली वैन शी वज इन यू एस ऑल्सो इन बिटवीन पीपल यूज़ टू से अरे वो पागल हो गई है ना ये हो गया है ना सारी मतलब काफ़ी र्यूमर्स आती रहती थी तो एक्चुअली जो बीच का जो फेज़ था वो फेज़ उसने किस तरह से पर्सनली अपने आप से जो बिताया है वो उसने से किसी से किसी के भी साथ डिस्कस नहीं किया जिसकी एक हमेशा एक मिस्ट्री रही है कायम इंडस्ट्री वालों से या तो इनके जो इतने पहचान वालों से कि उस फेज़ के अंदर उनकी लाइफ कैसे गुजरी क्योंकि इतनी टॉप एक्ट्रेस सडनली इंडस्ट्री छोड़ के एक नई दुनिया में अपना एक्सपेरिमेंट करने जा रही है अपनी लाइफ के साथ तो वो किस तरह का एक्सपेरिमेंट था किसी को पता नहीं है उसके बारे में यू you नो know? तो वो जो फेजेस थे और हमेशा इंसान के लाइफ में वो जो कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जो चाहते हुए भी शायद शेयर ना करना चाहता हो यू नो सो ऑल दिस पर्सनल इश्यूज़ वे लाइक टू मच कॉम्प्लिकेटेड आई फील इन हर पर्सनल लाइफ मतलब शी क्रिएटेड हर ओन कॉम्प्लिकेशन इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जैसे क्या कहेंगे हाँ शी वाज अ वेरी वार्म पर्सन वो बहुत अच्छे से मिलती थी बट व्हाई डू मतलब आपके हिसाब से क्यों आपको लगता है दैट यू नो इंडस्ट्री डंट सपोर्ट अह जितना मैं जानता था वो हिसाब से वो अपना एकांत पसंद करती थी अपनी पर्सनल लाइफ से वो खुश थी जितना जक मुझे लगा मतलब पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से खुश थी Uh, कभी कभी मुझे लगता था कि शायद फिनांशली वो वीक होगी या कुछ मतलब फाइनेशियल कुछ स्क्रंच होगा तो उस दौरान लेकिन मैंने कभी मतलब जो हिसाब से उनका व्यवहार था उनके जो लोग काम करते थे कहीं तो आदमी का कुछ रिफ्लेक्ट नज़र आए मुझे वो कुछ नज़र नहीं आया ऑन द कंट्री शी वॉज पेइंग मनी टू ऑल द पीपल वर्कर्स बिफोर द वर्क यूज़ टू गेट फिनिश यू नो कि भाई आपका इतना तनख्वाह बन जाता है आपने अभी तक पैसे क्यों नहीं लिए चलो ये ले लो मतलब I could never feel that you know she was into any sort of a pressure in that case. Only pressure which I could feel that uh, people had not understood her, you know, and they just started talking all sorts of things. Uh, कभी कुछ uh, statements by chance उसके आज आ गए होंगे कि like uh, मैंने बताया उनको कि आपके कुछ अलग statement आया कि आपने कहा कि मैंने घर में camera लगाए हैं, कुछ tapes लगाई हैं, you know. तो बोले जयेश आप इतनी बार आते हो घर पे तो हर एक को मतलब वो लोग काफ़ी लोग मुझे कहें कि वो लोग सबको वो सबको सस्पिशियस नज़र से देखती है यू you नो know, बहुत स्पाई करती है दस क्वेश्चन पूछती है लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ आई नेवर गॉट ट्रू एनी ऑफ दैट एक्सपीरियंस ऑन द कॉन्ट्री शी वॉज अ वेरी नाइस ह्यूमन लाइक यू नो आई कुड रिलेट विथ हर ऑन वेरी वन टू वन लेवल